भी आती है। हाँ भाई साहब, मुझे संख्याएं नहीं मालूम है, कौन सी संख्याओं की बात हो रही है। पहली कोई संख्या होगी जिसको किससे गुणा किया, 18 से। फिर एक और संख्या को किससे गुणा किया, 21 से गुणा किया। ये बंद कर दिया क्या शायद आपने? तो पहले एक संख्या को गुणा किया 18 से, फिर एक संख्या को गुणा किया 21 से। अब जो योगफल आया वो बताओ किससे हुआ। अरे बाप रे, मैं कहाँ से बताऊँ भाई। 18 इंटू एक्स प्लस 21 इंटू वाई, दो वेरिएबल तो हो गए और तीसरा और आ गया जेड। देखो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, 3। 6x प्लस 7y, कुछ भी हो दिखती सी बात है, जो जेड होगा ना वो 3 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, बस निकाल दो एक ऐसी संख्या। बोलो फर्स्ट ऑप्शन। संख्या आप सोच लो असंभव है, संख्या सोचना ही असंभव है। बताओ कितने वेरिएबल, कितनी इक्वेशन? 3 वेरिएबल और एक इक्वेशन। और 3 वेरिएबल हल करने के लिए मुझे कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए? है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से लाऊं? तो मुझे क्या चाहिए, मैंने देख लिया इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, और कोई चॉइस ही नहीं है। ऑल क्लियर, कन्फर्म? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 229। कौन सा दिया आपको, 229। बताओ 125 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? लास्ट के तीन अंक, लास्ट के तीन अंक या तो 125 होने चाहिए या फिर 200 या फिर मोटे तौर पे बात यह है कि या तो लास्ट में 5 आना चाहिए या फिर लास्ट में 0। तो देखो मेरे पास जो अंक अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं, 2, 3, 8, 7 और, ठीक बात है। तो 0 तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, नहीं अवेलेबल, तो मैं 5 से काम चलाऊंगा। फिर बताओ अगली संख्या कौन सी होगी, 625, फिर 750, फिर 875 और फिर 1000। तो ये सब मेरे काम की नहीं है, मेरे काम की कौन कौन सी हो सकती है, या तो लास्ट में 25 आए या फिर लास्ट में 75 आए। तो देखो अगर मैं लास्ट में मान लो 25 रख लेता हूँ या फिर लास्ट में मैं 75 रख लेता हूँ, अगर मैंने लास्ट में 25 रखा तो ये दोनों मेरे काम आ गई। बचे क्या क्या, 3, 8 और 7, बस यही बचे। लेकिन 25 से डिविजिबिलिटी थोड़ी होती है, डिविजिबिलिटी तो तब होगी जब शुरू में एक हो, एक तो है ही नहीं। 3 हो सकता है क्या, तो 3 हो सकता है, और किससे हो सकती है, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ढंग से समझ लो। मेरे पास में यही 5 अंक हैं रखने को, कौन कौन से, 2, 3, 8, 7 और 5।
अब मुझे डिविजिबिलिटी चाहिए 125 से, तो पहली कंडीशन है कि लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए। पर हर वो संख्या जिसके लास्ट में 5 या 0 होगा उसमें 25 का भाग, 125 का भाग थोड़ी जाएगा, ठीक बात है। तो या तो लास्ट में 125 होना चाहिए, या 375, या 625, या फिर 875। तो देखो क्या मैं इन सब से मिला के 125 बना सकता हूँ, तो ये वाली तो कंडीशन ही ख़त्म हो गई। ख़त्म क्या, इन सब से मिल के 375 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो ये 375 वाली संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 375 हो गई, एक संख्या तो ये हो गई। अब 28 रख दूँ तो भी, और 82 रख दूँ तो भी, तो कितनी संख्या बन गई? दो। दो किससे बनी? 375। कोई डाउट है? डाउट कोई क्वेरी? अब देखो 625 मिला के बना सकता हूँ क्या? क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि आपके पास में 6 नहीं है। 875 बन सकता है क्या? वेरी गुड। 8, 7 और 5, ये तीनों मैंने काम ले लिए, बचे क्या क्या? तो 2, 3 भी रख सकता हूँ और 3, 2 को, तो कितनी संख्या हुई? तो टोटल 4 संख्याएं बन सकती है जो कि 125 से डिविजिबल होगी। छः कैसे बताओ? सर 375 और 875 सेपरेट से करो ना, कैसे करो? सर उन संख्याओं को पांचों संख्याएं आनी चाहिए, पांचों एक एक बार ही आनी चाहिए, पांचों अंक एक एक बार, है ना। मान लो अगर ये कंडीशन नहीं होती ना, तो फिर तो मैं बहुत सारी बनाया था, फिर तो ये क्वेश्चन फैक्टोरियल से सॉल्व होता, फिर किससे सॉल्व होता? फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल से ऐसे सॉल्व होता कि देखो एक तो ये बन जाता, एक ये बन जाता। नहीं, चार नहीं, पांचों यूज करनी जरूरी है, इसमें बाय डिफॉल्ट ही होता है सभी अंकों का यूज, यूजिंग ऑल डिजिट्स। हालांकि क्या होता है, ये नहीं भी लिखा होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट चलता है कि जितने दिए उतने ही यूज करना है ना। हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग आ रहा है ना, और हर बार आपका मजा बढ़ रहा है कि अब की बार क्या आने वाला है भाई। अभी कोई डाउट? कंफर्म? बस समाप्त करने वाले हैं इसको अपन थोड़ी देर में। 230 आज डिविजिबिलिटी खत्म है। और नीचे कर दें इसको यूं, कितनी देर हो गया ये वीडियो? बस खत्म, लास्ट आई क्वेश्चन। अरे बीजांग भैया, बीजांग बीजांग, जब 1 से लेके 9 तक सबको गुणा करोगे तो उसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो जाएगा। और जिस संख्या में 9 का बीजांग जाता है उसका उसका बीजांग भी क्या आता है? 9 आता है। तो प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा, अंकों का योग 9 के बराबर होगा। बीजांग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अरे ये तो क्या बोल रहा है आपको, सिंपल चीज समझो। अब बच्चों की तरह मान लो सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल 9 लिख दो। फैक्टर 9 की वैल्यू क्या होती है? 36, 28, 8, 0, ये होती है फैक्टर 9 की वैल्यू। अब इन सबको जोड़ लो, 3 और 6, 9,
नौ और दो ग्यारह और आठ उन्नीस और आठ सत्ताईस, सत्ताईस और जीरो सत्ताईस, सत्ताईस को फिर जोड़ो तो अल्टीमेटली वापस बीजांक कितना आएगा। हर उस संख्या का बीजांक नौ आएगा जो एक बार नौ से गुणा हो गई। जो संख्या एक बार नौ से गुणा हो गई ना उसका बीजांक फिर नौ ही आता रहेगा। और ये जानबूझ के किससे गुणा कर रहा है, नौ से गुणा कर रहा है। आ गया समझ में? ठीक, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार दिमाग वहाँ तक पहुँचा, पजल है मतलब, एक बार दिमाग वहाँ तक पहुँचा आपने पकड़ लिया, नहीं तो फिर फैक्टोरियल नाइन याद हो। फैक्टोरियल कैसे याद करते हैं बताओ? फैक्टोरियल वन की वैल्यू क्या होती है? वन, टू की, थ्री की, फिर इसके आगे मैं आपको याद करा देता हूँ। फैक्टोरियल सात होती है पचास चालीस, क्या होता है? चालीस को कॉपी कर दो, चालीस अट्ठे तीन सौ बीस, भाई आठ से तो गुणा कर रहे हो ना, चालीस अट्ठे तीन सौ बीस। अब बताओ छत्तीस और अट्ठाईस का अंतर कितना होता है? आठ, तो छत्तीस अट्ठाईस आठ जीरो, और फैक्टोरियल दस क्या? एक जीरो और लगा दो, छत्तीस अट्ठाईस और आठ जीरो के आगे एक जीरो और, ख़त्म काम। अब या तो अच्छा फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन, चाहो कैसे भी कर लो। कोई डाउट? होमवर्क, होमवर्क कहाँ से कहाँ तक है? होमवर्क करना है अपने को 233 तक। कल कहाँ तक दे दिया था होमवर्क? 161 तक दिया था। तो 162 से 233 तक का है आपका होमवर्क। आउट ऑफ टोटल कितने क्वेश्चन नहीं है? 677 क्वेश्चन। क्लियर? जो आप कॉपी करना चाहें आप कॉपी कर सकते हैं। आज का काम हुआ ख़त्म।